नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। BCECEB ने 526 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। BPSC की 67वीं मुख्य परीक्षा को लेकर जारी हुई अहम नोटिस। मध्य निषेध मंत्री ने बिहार जहरीली शराब कांड पर बताई सरकार की नीति। बिहार प्रशासनिक सेवा के 47 अधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। दूसरे टेस्ट में कप्तान रोहित की वापसी की क्या है संभावना। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BCECEB ने 526 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लोअर डिवीजनल क्लर्क, क्वालिटी कंट्रोलर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर के कुल मिलाकर 526 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित है, जिसमें कैंडिडेट को ग्रेजुएशन BSc इन साइंस, एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech और BE इन बायोटेक्नोलॉजी, BCom, CA, MBA, PG, DBM पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के 47 अधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 47 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 21 से 24 दिसंबर के बीच कर्मचारी चयन आयोग में की गई है। जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है उनमें मोहम्मद वासीम अहमद, कुमार विनोद, सचिदानंद सुमन, विनोद कुमार, विनय कुमार सिंह, प्रसत्य प्रकाश, राजकिशोर लाल, सुबोध कुमार, संजीव कुमार सिंह, आलोक राज, अमलिंदु कुमार सिंह, विनोद प्रसाद सिंह, प्रमोद कुमार राम, नासिर हुसैन, अनिल कुमार झा, विजय कुमार पांडे, संजय कुमार राय समेत कई नाम शामिल हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इस वजह से है बेहद खास। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में सिवलिक श्रेणी के बाहरी इलाके में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से चीता जैसे लुप्त प्राय जानवरों का घर है। यह अभयारण्य पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित है। 900 गज में फैले इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ, सुस्त भालू, भेड़िया, हिरण, सिर, तेंदुआ, अजगर, मोर, चीतल, सांभर, नीलगाय, लकड़बग्गा, भारतीय सीवेट, जंगली बिल्लियां, डॉग, डियर, जंगली कुत्ते, एक सिंह वाला गेंडे और भारतीय भैंस को देख सकते हैं। इसके साथ ही चितवन से वाल्मीकि नगर आप इस पार्क में चीतल, काला हिरण, अमचाली पकड़ने वाली बिल्लियां, तेंदुआ आदि भी देख सकते हैं। बता दें कि यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। BPSC की 67वीं मुख्य परीक्षा को लेकर जारी हुई अहम नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र के फॉर्मेट के संबंध में एक अहम नोटिस जारी की गई है। बता दें कि नोटिस के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग के सेक्शन 1 वाले भाग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन 2 भाग में बदलाव किया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी 67वीं परीक्षा के लिए जारी की गई शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 3 दिन 29, 30 और 31 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा, जिनमें 29 तारीख को आयोजित की गई परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली की शुरुआत सुबह 9:30 से की जाएगी जो कि 12:30 तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके अलावा 30 और 31 दिसंबर को होने वाली परीक्षा केवल एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का तीसरा चरण जनवरी में हो सकता है शुरू। विभागीय सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के शहरों की स्वच्छता का आकलन करने को लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तीसरे चरण की प्रक्रिया जनवरी 2023 में शुरू की जा सकती है। बता दें कि यह पहली बार है जब स्वच्छ सर्वेक्षण 3 के बजाय 4 चरणों में कराई जाएगी। इसका पहला फेज अप्रैल मई और दूसरा फेज जून जुलाई में किया गया था, वहीं अब इसका तीसरा फेज जनवरी 2023 में की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए केंद्रीय टीम दावे का पड़ताल करने के लिए और आम लोगों से विभिन्न माध्यमों के
जरिए सफाई व्यवस्था पर राय लेने के लिए शहरी निकायों का दौरा करेगी। वहीं लोगों की प्रतिक्रिया को सुनकर और जांच करने के बाद ही इसके आधार पर अंक दिए जाते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 की प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन साल 2023 में 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। वहीं वैसे छात्र जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वे बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तारीख 9 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई है। बोर्ड के अनुसार एडमिट कार्ड शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा डाउनलोड कर हस्ताक्षर और मुहर को लगाकर विद्यार्थियों को दिया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए जारी की गई यह एडमिट कार्ड सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए मान्य नहीं होगी। मार्च में होगी बिहार में G20 की बैठक। अगले साल 6 और 7 मार्च को बिहार में G20 की बैठक आयोजित होने वाली है, जिसमें देश विदेश मेहमान समेत कुल 250 मेहमान शामिल होंगे। बता दें कि इस दौरान सभी विदेशी मेहमान 2 दिनों तक पटना में रहेंगे और बिहार में चयनित पुरातात्विक धरोहर की देखेंगे और बिहार के मशहूर व्यंजनों का भी मजा लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में बिहार सरकार के द्वारा कला संस्कृति विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी का चयन किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए जकड़ की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। फिलहाल G20 की बैठक को लेकर बिहार सरकार के द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। दाखिल खारिज को लेकर मंत्री ने दिया यह आदेश। बिहार में दाखिल खारिज से जुड़े होने वाले भ्रष्ट कामों को रोकने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राज्य के सभी अंचलों को निर्देश दिया गया है कि इस निर्देश के तहत अब कोई भी दाखिल खारिज का आवेदन बगैर कारण बताए रद्द नहीं किया जा सकेगा। अंचल अधिकारियों को किसी भी दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द करने से पहले कारण को स्पष्ट करना होगा। अगर कभी आनन फानन में किसी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 5 सालों 93 लाख दाखिल खारिज के आवेदनों में से केवल 39 लाख मामलों में ही लोगों की सेवा मिल पाई है। वहीं इनमें से 33 लाख मामले ऐसे हैं जिन्हें खारिज कर दिया गया। बताते चले कि इस समय वर्तमान में कम से कम 11 लाख ऐसे मामले हैं जो लंबित पड़े हैं। अब सरकारी दर पर करें बिहार की सैर। वैसे लोग जो बिहार के पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं वे सभी अब सरकारी दर पर सैर का मजा ले सकते हैं। बता दें कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा सर्किटवार और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिए गाड़ी से आने वाले और जाने का किराया घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके तहत कुछ शर्त भी रखे गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शर्त के अनुसार अगर पर्यटक मिनी बस से आना जाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 15 व्यक्ति होने चाहिए। वहीं अगर पर्यटक इनोवा से आना जाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 5 व्यक्ति यानी कि यात्री होने चाहिए। इसके तहत यात्रियों को पेयजल, नाश्ता, गाइड और रहने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बिहार में सर्दी का सितम। बिहार में ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी भी न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान राज्य में 22 से 24 डिग्री के करीब है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जल्द ही तापमान में गिरावट के आसार है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री नीचे आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार में सर्द पहाड़ी हवाओं की वजह से ठंड बढ़ेगी। अगले 5 दिनों तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। पटना मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण मध्य इलाकों में सुबह के समय कोहरा रहेगा। उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी इलाकों में तापमान 1 से 2 डिग्री ऊपर जा सकता है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के लिए 19 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू। 11 जनवरी को बापू सभागार के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में होने वाले नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए बीते दिन सोमवार यानी कि 19 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि समारोह में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 4 जनवरी तक निर्धारित की गई है। इस समारोह में 2020 एवं 2021 के पीजी, पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्रों को डिग्री दी जाएगी। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए दीक्षांत शुल्क के रूप में ₹1,250 का बैंक ड्राफ्ट नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना के नाम से बनाकर देना होगा। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए छात्र और छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को भी निर्धारित किया गया है। मद्य निषेध मंत्री ने बिहार जहरीली शराब कांड पर बताई सरकार की नीति।
एक तरफ जहां बिहार में विपक्ष की ओर से जहरीली शराब से हुई मौतों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि शराब पीने से मरने वालों पर मुआवजा देने की सरकार की कोई नीति नहीं है और न ही वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान है। बता दें कि सुनील कुमार ने कहा कि शराब बेचना और पीना दोनों ही अपराध है और अपराध करने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक दोषियों की संपत्ति को बेचकर पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही गई है। जब बिहार में शराबबंदी लागू की जा रही थी तब बीजेपी समेत सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। बीजेपी विधायकों ने एक मिनट का रखा मौन। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बीते दिन एक बार फिर बीजेपी विधायकों के द्वारा इस मसले पर अपना आक्रोश दिखाते हुए विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया गया। बता दें कि बीजेपी के सभी विधायक विधानसभा का बहिष्कार कर बाहर निकल गए और बौद्ध वृक्ष के पास जाकर उन सभी लोगों के लिए एक मिनट का मौन रखा जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हो गई है। साथ ही विधायकों ने उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इसके अलावा बीजेपी विधायकों ने कहा कि भगवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सद्बुद्धि दे। जानकारी के लिए बता दी कि बीते दिन विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कीर्ति आजाद के बारे में। कीर्ति वर्धन भागवत झा आजाद एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 7 टेस्ट मैच और 25 वनडे खेले हैं। वह एक आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज और एक ऑफ स्पिनर हैं। श्री झा 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा बिहार से जीत दर्ज की। वे अपने पिता भागवत झा आजाद पूर्व मुख्यमंत्री बिहार का अनुसरण कर राजनीति में आए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दरभंगा बिहार से संसद के लिए चुने गए। पूर्व में वह दिल्ली के गोल मार्केट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। यदि उनके क्रिकेट करियर में स्वर्णिम समय के बारे में बात करते हैं तो 1983 विश्व कप के अलावा वह इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ कई उल्लेखनीय पारी खेले जाने के बाद लोकप्रिय हो गए थे। जाने 2023 में स्कूलों की छुट्टी है कितने दिनों की। बिहार के सरकारी स्कूलों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर के अनुसार 2023 में सरकारी स्कूलों के बच्चों को बंपर छुट्टी मिलने वाली है। बता दें कि रविवार की छुट्टियां, ठंडी और गर्मी की छुट्टियां और अन्य सरकारी छुट्टियों को मिला दिया जाए तो अगले वर्ष 365 दिनों में से 121 दिन बच्चों के लिए छुट्टी वाले दिन होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगले वर्ष कुल 53 रविवार होंगे। वहीं अगले वर्ष छुट्टी को कुछ नुकसान भी हुआ है क्योंकि अगले वर्ष कई पर्व और त्यौहार ऐसे हैं जो रविवार को पड़ रहे हैं। ऐसे में रविवार और पर्व की छुट्टी की गिनती एक ही दिन कर ली गई है। पटना जंक्शन पर बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। बीते दिन सोमवार को पटना के पटना जंक्शन पर बम होने की सूचना मिलने पर लोगों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस फोर्स के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। साथ ही खोजी कुत्ते की भी सर्च अभियान में मदद ली गई। मिली जानकारी के अनुसार GRP को एक अनजान कॉल आया जिसपे स्टेशन में बम होने की सूचना दी गई थी। हालांकि जब इस बारे में पता किया गया तो पता चला कि मानसिक विक्षिप्ति ने कॉल कर बम होने की सूचना दी थी। शराबबंदी पर अडिग सीएम नीतीश। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि शराब त्रासदी का शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है, यह एक अपराध है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा इस साल की शुरुआत में किए गए सर्वेक्षण ने पुष्टि करते हुए बताया कि बिना शराबबंदी वाले राज्यों में भी शराब से मौत होती है। शराबबंदी का यह नियम बिहार के महिलाओं के आह्वान पर बनाई गई है, इसलिए इस नीति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। सारण में जो हुआ वह भी एक अपराध है और इसे उसी के मुताबिक निपटा जाएगा और जो विपक्ष आज शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं वह भी कभी शराबबंदी के साथ थे। छपरा शराब कांड पर बोले सम्राट चौधरी। बिहार में शराब से हुई मौत पर मुआवजे दिए जाने को लेकर बीते दिन बिहार विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित हो जाने के बाद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा राज्य सरकार पर सीधा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की ओर से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को सरकार की ओर से मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम कानूनी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जब गोपालगंज के कजूर बन्नी जहरीली शराब कांड में मुआवजा दिया तो छपरा जहरीली शराब कांड में क्यों नहीं दिया जा रहा है। छपरा जहरीली शराब कांड में अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो बीजेपी की लीगल टीम उच्च न्यायालय में जाएगी।
बिहार विधानसभा में बीजेपी की मांग। बीते दिन सोमवार को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और ऐसे में बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से मांग की गई। बता दें कि इस दौरान बीजेपी के विधायकों की ओर से विधानसभा के मुख्य द्वार पर बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर 4-4 लाख रूपये मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। सभी बीजेपी विधायकों की यह मांग है कि शराब और बालू माफियाओं के खिलाफ बिहार सरकार न्यायिक जांच करवाए। इसके साथ ही भाकपा माले और माकपा के विधायकों के द्वारा भी मांग की गई कि जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख रूपये सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए। इन सभी मांगों के बीच बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे स्थगित कर दी गई। अब चीन को सबक सिखाएगा भारत। भारत का चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा अगले 5 सालों में अरुणाचल प्रदेश में एक नए 2-लेन हाईवे बनाने की योजना बनाई गई है, जो कि भारत चीन तिब्बत म्यांमार बॉर्डर होते हुए लगभग 1,748 किलोमीटर लंबाई में बनाया जाएगा। बता दें कि इस हाईवे का मकसद सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों के पलायन को रोकना है। हाल के समय में घोषित सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा यह सबसे लंबा हाईवे होगा, जिसे NH 913 के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इस हाईवे के जरिए पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच हथियार और सेना की तैनाती में भी आसानी होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने का अंतिम समय 2026 से 27 तक निर्धारित किया गया है। दूसरे टेस्ट में कप्तान रोहित की वापसी की क्या है संभावना। भारत बांग्लादेश के दूसरे और आखिरी टेस्ट 22 दिसंबर को मीरपुर के मैदान में खेला जाना है। बांग्लादेश दौरे के दूसरे एक दिवसीय मुकाबले के दौरान चोटिल कप्तान रोहित शर्मा वापसी को लेकर खबर ये आ रही है कि रोहित का जो अंगूठा फ्रैक्चर हुआ था वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और BCCI रोहित की वापसी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। क्रिकबज और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित अभी मुंबई में है, चोट वाले अंगूठे में अकड़न है। वो बल्लेबाजी तो कर सकते हैं लेकिन फील्डिंग के दौरान असर पड़ सकता है। ऐसे में BCCI रोहित को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहित की वापसी के बाद किस खिलाड़ी को अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है। आज की तारीख इस वजह से है बेहद खास। महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की। महात्मा गांधी 1946 में श्रीरामपुर में एक महीने तक रुके। भारतीय गोल्फ संघ का 1955 में गठन हुआ। भारतीय गेंदबाज जासू पटेल ने 1959 में कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन देकर 9 विकेट लिए। भारत और पाकिस्तान 1990 में एक दूसरे पर परमाणु हमले न करने पर सहमत हुए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 1993 में ब्रसेल्स में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नेता और न्यायविद गोकर्णनाथ मिश्र का जन्म 1871 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मोतीलाल वोरा का जन्म 1927 में हुआ। उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म 1960 में हुआ। एक संत, एक समाज सुधारक संत गाडगे बाबा का 1956 में निधन हुआ। भारतीय सिनेमा की सुंदर व प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का 2010 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे योनो खाता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे योनो खाता के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक नकली संदेश प्रतिरूपण कर रहा है। दी ऑफिशियल SBI दावा करता है कि प्राप्तकर्ता का योनो खाता अवरुद्ध कर दिया गया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि अपने बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए ईमेल SMS का कभी भी जवाब न दे। यदि आपको ऐसा कोई संदेश प्राप्त हुआ है तो तुरंत report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें। सेटिंग में ऐसे बदलाव कर बढ़ाए फोन और लैपटॉप की स्पीड। गूगल ने क्रोम यूजर्स के लिए 2 परफॉर्मेंस सेटिंग रोल आउट किए हैं, जिसके जरिए आप लैपटॉप और स्मार्ट फोन की स्पीड और बैटरी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी इस परफॉर्मेंस सेटिंग का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम अपडेट करना होगा। सबसे पहले आप अपने फोन में क्रोम को ओपन करें। अब इसके टॉप राइट पर मौजूद 3 डॉट पर क्लिक करें। इसके बाद हेल्प और फिर अबाउट गूगल क्रोम पर क्लिक करें। अब आपको गूगल क्रोम अपडेट पर क्लिक करना होगा। अगर इस दौरान आपको अपडेट नहीं मिलता है यानी कि आपका क्रोम अपडेट है, और जब आपको क्रोम अपडेट हो जाए तो क्रोम ब्राउजर को दोबारा लॉन्च कर दें। जिला स्तर पर चयन समिति बनाएंगे DM। 19 दिसंबर को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए प्रखंड स्तर पर हर विषय में 3 सर्वश्रेष्ठ पंचायतों की अनुशंसा तिथि समाप्त हो रही है, जिसके तहत राज्य की प्राय तमाम पंचायतों ने इस पुरस्कार को लेकर ऑनलाइन तरीके से अपना दावा पेश किया है।
इसके मद्देनजर विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2030 हेतु प्रखंड स्तर से प्रत्येक थीम में प्राप्त अनुशंसा के मूल्यांकन के लिए जिला स्तर तक ही एक छींक चयन समिति गठित करे। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी विषयों हेतु एक ही DPPAC समिति गठन करने का निर्देश भेजा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, पूजा कुमारी, मुट्टू रंगीला, वेद प्रकाश सिंह, अंजना मिश्रा, रंजीत सिंह, बाबूलाल मरांडी, रविन्द्र पासवान, राम शंकर सिंह, भान प्रकाश मौर्य, नरेश राम, रंजीत मुखिया, मुकेश कुमार, अखिलेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नए DGP RS भट्टी के आने से बिहार में अपराध नियंत्रण पर कितना बल मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़।